हाय दिस जोगेंद्र टोटेजा और आज बात करते हैं ना काइंड ऑफ ट्रेंड व्हिच इज सीइंग व्हेन इट कम्स टू द हॉलीवुड फिल्म्स डूइंग वेल इन इंडिया और जब भी ऐसा होता है कैसे सडनली चर्चा होने लग जाती है चारों तरफ कि अरे हॉलीवुड आया और बॉलीवुड को पीछे छोड़ के चला गया, हॉलीवुड का ही फ्यूचर है क्या, बॉलीवुड में कुछ कंटेंट बन नहीं रहा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा होता है, ऐसा लाजमी भी है बिकॉज जब एक एवेंजर्स आती है और आके 100 करोड़ पहले 3 दिन में ही कर जाती है और 200 करोड़ के राउंड के बिजनेस की तरफ देख रही होती है तो एक बार तो सडनली लगने लगता है कि क्या हॉलीवुड अब आके बॉलीवुड को बहुत बड़ा कंपटीशन देगा, क्योंकि बात ऐसी पहले भी हुई है, कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो हॉलीवुड की बहुत बड़ा बिजनेस करके गई है। फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 थी या फास्ट 8 थी या उसके अलावा आपकी कॉन्ज्यूरिंग थी या कैप्टन अमेरिका थी, जुरैसिक वर्ल्ड थी, ये सब कुछ एक ऐसी 7-8 फिल्में हैं which have actually done very well. In fact, इन सब में जो सबसे बड़ी फिल्म थी that was The Jungle Book, जिसको Avengers Infinity War most likely cross कर ही जाएगी. So all of these films have done well, लेकिन मैंने ये जो ट्रेंड देखा है जब भी ऐसी फिल्म आती है सडनली बॉलीवुड की तरफ क्वेश्चन उठने लग जाते हैं कि क्या बॉलीवुड नहीं चल रहा है, क्या सब कुछ हॉलीवुड ही ले जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये एक पासिंग फेज होता है, इट्स नॉट इवन अ ट्रेंड पर से, इट्स अबाउट कोई अच्छी पिक्चर आई, इट वॉज अ बिग मूवी, एक समर रिलीज आई और उसने अच्छा बिजनेस कर दिया, बट बॉलीवुड कहीं नहीं जा रहा। बात प्रॉब्लम की तब आए अगर एवेंजर्स को रिलीज करो और उसके सामने बाहुबली रिलीज कर दो या रेस रिलीज कर दो और फिर भी एवेंजर्स चल जाए, लोग बाहुबली ना जाए, लोग रेस 3 देखने ना जाए या लोग पद्मावत ना देखने जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टिपिकली दीज काइंड ऑफ फिल्म्स व्हेन दे रिलीज वो इतनी बड़ी रिलीज होती है उनकी क्योंकि सामने कुछ बॉलीवुड से कोई मेजर कॉम्पिटिशन होता भी नहीं है उस समय, सो वो सडनली दिखने लगता है कि दीज फिल्म्स आर डूइंग सम मेजर बिजनेस एंड बॉलीवुड की तरफ क्वेश्चन उठने लग जाते हैं। बट दैट शुड नॉट रियली बी द केस बिकॉज एक अच्छी फिल्म है वो चलेगी, बुरी फिल्म है वो नहीं चलेगी। हॉलीवुड का भी अगर हम देखें, मैंने पहले भी बात बोली, हर हफ्ते एक नई फिल्म आती है इंडिया में, बाहर तो 2 या 3 आती है मिनिमम, इंडिया में भी एक फिल्म हर हफ्ते आती है। कितनी चलती है, 5 या 6 या 7 या 8, That's the kind of a number that you remember towards the end of the day, जो जाके शायद 30-40 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करे। बॉलीवुड जो है that is also having a similar count, उसमें एक नहीं उसमें 2 पिक्चरें आती हैं, but then there are many more successes, जो एक सक्सेस रेट है वो ज़्यादा अच्छा है। There are films, Bollywood films that end up doing much bigger business, so इसलिए ये हर 10 साल चलता रहेगा ये ट्रेंड, कोई एक हॉलीवुड की मूवी आएगी वो बड़ा बिजनेस करेगी एंड अगेन देयर विल बी राइट अप्स डन, देयर विल बी पीपल विल स्टार्ट कमिंग एंड सेइंग कि अरे यार हॉलीवुड तो छा गया है, इंडिया को हॉलीवुड की तरफ देखना चाहिए, देखिए कैसे पिक्चरें बनाते हैं, कैसे उनका एक्शन इतना अच्छा होता है, कैसे वो लोग एक मसाला फिल्म्स बनाते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हॉलीवुड की अपनी जगह है, बॉलीवुड की अपनी जगह है, मूवीज उनकी भी जो अच्छी है वही चलती हैं वहां पर भी और यहां पर भी, सेम होल्ड्स गुड फॉर बॉलीवुड एज वेल। हाँ, एक एवेंजर्स आती है और वो एक धमाल से रिकॉर्ड बना जाती है, बट बागी 2 के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। Who was expecting Baghi 2 to take an opening of 25 crore? But it did that. So, इसलिए एक point है, it's not a fluke, it's a fact that there was some good hype and promotional strategy and release going for it. इसलिए चली, Baghi 2 भी इसीलिए चली, Avengers भी इसीलिए चली और आगे भी जो फिल्में आएंगी वो इसी वजह से चलेंगी, because उनमें एक buzz और एक जो hype है, वो एक content, एक franchisee value अगर होती है, या एक overall जो एक novel subject होता है, वो सारे के सारे जब combinations आते हैं, तो फिल्में चलती है। सो देयर इज नथिंग लाइक हॉलीवुड, देयर इज नथिंग लाइक बॉलीवुड, देयर इज नथिंग लाइक तेलुगु सिनेमा आइदर, बाहुबली भी तो चली थी। सो यस, पैनिक वाली कोई चीज नहीं होती है, एज लॉन्ग एज द इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू चर्न अप सम गुड कंटेंट, ऑडियंसेस विल बी हैप्पी एंड दैट्स समथिंग दैट विल कीप द इंडस्ट्री गोइंग। दिस जोगेंद्र टोटेजा साइनिंग ऑफ।